हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं मिनी पावर टेलर के बारे में, एक व्यूवर्स ने क्या किया है कि अपना यूट्यूब चैनल देख के इन्होंने ये इनोवेशन बनाया। काफ़ी अच्छा इनोवेशन इन्होंने बनाया है और प्रयास भी किया है, तो इनको सराहना देना चाहिए। और इन्हें दिक्कत क्या आ रही है, अभी इन्होंने ये मिनी पावर टेलर बनवा लिया है, मगर इसमें इन्हें दिक्कत ये आ रही है कि इन्होंने बना तो लिया इसे, ये 3600 RPM का इंजन है और पुराना है, तो इसमें 880 ml ऑयल बैठता है और ये पेट्रोल इंजन ही है, मगर इन्होंने हाइट भी इसका काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है। और इतना हाइट नहीं चाहिए, थोड़ा कम हाइट चाहिए। और मेन रीज़न इन्होंने ये पुली सिंगली गियर इसमें यूज किया है, तो मेन रीज़न इसका यही है। तो ये क्या हो रहा है, इनको दिक्कत क्या आ रही है, जब मिनी पावर टिलर चला रहे हैं तो चलाते वक्त इनसे, जब ये मिनी पावर चल रहा है और जब लोड पे डाल रहे हैं तो जब बेल्ट पुली टाइट कर रहे हैं तो बंद गिर जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, चाकों पे लोड आ जाता है। जैसे अपना बाइक अपन चलाते हैं, कोई ढलान पे चल रहे हैं लोड पे और आप टॉप गियर में चला रहे हैं, तो आप गियर कैसा कम कर देते हैं, सेकंड थर्ड पे चलते हैं, तो उसी तरह इसका भी मेजरमेंट उसी कैलकुलेशन रहता है दोस्तों। और जब इसे आप दो गियर बड़े चेन स्प्रॉकेट गियर और दो छोटे लगते हैं, तो वो इन्होंने यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब इन्होंने गियर का कैलकुलेशन ही नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने बना दिया है। बड़ी पुली का भी इन्होंने यूज किया है, मगर जो छोटा गियर इन्हें यूज करना चाहिए था वो इन्होंने दो गियर इसमें कम यूज कर दिया है। तो क्या हो रहा है इसका, ये देख सकते हैं, इन्होंने एक ही गियर, दो ही गियर पे एक छोटा 18 टीथ का और एक 36-37 टीथ का इन्होंने यूज किया है, तो अपने को 44-40 टीथ के लगभग लगभग यूज करना है। और छोटा गियर आपका 14 या 18 टीथ का भी हो सकता है, 14 टीथ में थोड़ा अच्छा भी RPM मिल जाता है, 18 भी कुछ चल जाता है, मगर थोड़ा बड़ा हो जाता है, RPM थोड़ा बढ़ जाता है 18 से, तो थोड़ा छोटा चाहिए और बड़ा गियर बड़ा चाहिए, वो 44-40 या 50 टीथ का भी हो सकता है। तो जितना बड़ा गियर रहेगा आपका चेन स्प्रॉकेट का, वो RPM आपका कम हो जाएगा। तो ये जो मिनी पावर टिलर है 10 RPM पे चलता है, तो 10, 11, कोई 28 तक भी चला लेते हैं जैसा इसका कैलकुलेशन रहता है। तो ज़्यादा RPM रहेंगे तो ज़्यादा चलेगा, काम आपका अच्छा नहीं होगा। तो कम RPM के लिए आपको गियर का सही कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है, ये मालूम भी रहना चाहिए। तो इन्होंने थोड़ा बनाया, काफ़ी अच्छा है इनोवेशन, थोड़ा हाइट इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है मशीन का। और जो पीछे जो टूल्स लगाते हैं हम, डवरनी वखरनी का जो, तो वो आपके आसपास के जो किसान भाई है उनसे जो वो हल चलाते हैं, तो उनका जाके जो अच्छा इक्विपमेंट उनका चलता है, औजार चलता है, तो उसका मेजरमेंट लेके आप इससे बना सकते हो अपने दिल से। इसमें बनाने में ये मशीन लोड पे आएगा और बंद भी पड़ जाता है। और मेन रीज़न इन्होंने गेयर इसमें कैलकुलेशन नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने क्या किया है, पुली पर गियर लिया है, इसका ताकत लिया है और एक छोटी पुली 18 इंच का लगा के उधर से 36 टीथ के गियर पे दे दिया है। तो क्या हो रहा है, इंजन लोड पे आके बंद होने ही वाला है, क्योंकि है RPM पे, आप 3600 RPM का मशीन डायरेक्टली क्लच दबा के उस पर छोड़ेंगे तो ये लोड पे आके बंद हो जाएगा। तो इसको जो ताकत प्रॉपर मिलनी चाहिए वो इंजन की रनिंग नहीं मिल पा रही है, तो इसे दो गियर और लगाना चाहिए थे, तो इन्होंने ये गलती कर दिया है। बाकी कोई नहीं, इसे मैं बात हो चुका है तो मैं इन्हें बताया हूँ ये आपका प्रॉब्लम है भैया, तो आप इसे सॉल्व कर लेना। और अभी और एक गलती इन्होंने ये किया है, जो 205 या 4 नंबर का जो, इसमें मैं किसान भाइयों को एक बताना चाहता हूँ जो भी इस ऐसा मिनी पावर टिलर जुगाड़ बनवाना चाहते हैं, तो इसमें 204 नंबर का बीरिंग ही यूज करें, 205 बहुत बड़ा हो जाता है, वो क्या ट्रक का जैसा लोड थोड़ी खींचना है उसे, तो ये अपना 2, 3, 4 क्विंटल तक, 5 क्विंटल तक कोई दिक्कत नहीं आता है, तो उसको अपना जो यंत्र रहता है पीछे खींचने का, उसका वेट ज़्यादा इतना नहीं रहता है, तो 204 नंबर का सफिशेंट रहता है। तो आप बहुत बड़ा लेके, 205 का बीयरिंग का रेट भी बहुत महंगा जाता है, उससे रॉड भी बहुत बड़ा लगता है, तो उतना 204 का यूज करें और 6 बीयरिंग यूज करें, दो बड़े चेन स्प्रॉकेट गियर यूज करें, दो छोटे करें और एक 14 इंच का पुली करें। तो इन्होंने भैया ने जो पुली इसमें बिठाया है, तो पुली की जगह जो बेयरिंग लगाया है दोनों, तो वो एक इसमें मेजरमेंट में नहीं लगाया, आगे पीछे लगाया, तो उससे गियर इंजन लोड पे आता है, क्रैंक शाफ्ट लोड पे आके ख़राब भी होने की संभावना रहती है। तो सही कैलकुलेशन करके लगाया और टेढ़ा मेढ़ा ना लगाते हुए उसे डायगोनिया 90 अंश सेल्सियस में लेके, 90 क्वाटकोण में लेके, डायगोनिया लेके उसे बेरिंग का मार्किंग करके लगाए, तो इससे आपका मशीन लोड पे नहीं आएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें मैं बताना चाहता था दोस्तों आपको, और मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें क्योंकि दिन में मेरे को फैमिली और बिजी दूसरे भी काम रहते हैं, तो इसमें मेरे को डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरे को कर सकता है
और कोई भाई कमेंट करके मुझे पूछ सकता है, या व्हाट्सएप पे भी मेरा कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसान भाइयों को मशीन बनवाने में दिक्कत आ रहा है तो मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, मगर मेरे को डिस्टर्ब कॉल ना करें, क्योंकि मैं जो भी कॉल करूँगा उसको 2-3 मिनट में ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत हो जाता है, दिन में 50-100 कॉल आ जाते हैं तो उसमें सबका मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो मेरे को प्लीज करके किसान भाइयों आप मेरे को व्हाट्सएप पे या कमेंट में मुझे सजेशन दे सकते हैं मेरा।